हरे कृष्णा है ना। जो माधवेंद्र पुरी जी का जो वहां पर स्थान देखा है वो स्थान है जिस समय श्री माधवेंद्र पुरी ने इच्छा की। क्या इच्छा की? अगर ठाकुर जी की थोड़ी सी अगर खीर प्रसाद अगर इसका टेस्ट मिलता मैं भी ठीक वैसे अपना ठाकुर जी को भी ठीक वैसे भोग लगाता। देखो यहाँ पर शिक्षा देते हैं। Somebody do it translate? Somebody do it translate? अरे सब अंडरस्टैंड। अरे हाँ ओके। हाँ इसलिए देखो इसमें एक शिक्षा की विषय है। इसमें बहुत कुछ शिक्षा है। पहला नंबर शिक्षा है अगर हमें पता चले यहाँ पर ठाकुर जी को ऐसे भोग लगता है हम भी अपना ठाकुर जी को ठीक वैसे ही हम भी ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। मेरे जो गुरुदेव थे ना जब पुरी में मंदिर स्थापन किया एक दिन उन्होंने तोटा गोपीनाथ में प्रसाद पाने के लिए गए तो वहां पर देखा साग है भाजी है दाल है चटनी है खीर है वहां पर बड़े सुंदर ठाकुर जी को गोपीनाथ को भोग लगता है। हमारे गुरु जी वो प्रसाद फा करके आए आकर के बोले हमारे ठाकुर जी को भी वैसे भोग लगनी चाहिए है वैसे। क्योंकि इसलिए उसमें एक होता है वित्त साठ्य दोष। वित्त साठ्य मतलब हमारे पास में पैसा है लेकिन पैसा रहते हुए भी हम ठाकुर जी को ठीक से भोग नहीं लगाएंगे। अपना खाएंगे तो खुद चकाचक लेकिन ठाकुर जी का जो भोग लगाएंगे ना बस एक सब्जी दे दिया नहीं। ठाकुर जी के लिए हमारे बंगाल में ना एक सब्जी से कोई नहीं खाते नहीं। ठाकुर को कम से कम दो तीन तरह का भाजी देंगे दाल देंगे। पूर्व बंगाल में तो सोच नहीं सकते तीन चार तरह का दाल बनाएंगे एक तरह का दाल से नहीं चार पांच तरह का साग बनाएंगे भाजी बनाएंगे। ठाकुर को तरह तरह से ठाकुर जी को भोग लगाते। इसलिए माधवेंद्र पुरी इनकी पूछा भैया खीर का नाम क्या बोले अमृत गली नाम ही अमृत गली है। अभी उनको लगा अगर इसका थोड़ी सी टेस्ट अगर मेरे को पता चलता ना मैं भी अपना ठाकुर जी को ठीक वैसे ही भोग लगाता। अभी लेकिन और एक दोष है। क्या दोष है? अभी ठाकुर जी को भोग ही नहीं लगा। ठाकुर जी को भोग नहीं लगने से पहले अरे बढ़िया आज पनीर सब्जी बन रहा है चकाचक है और हम बधे जीवे ना खाने की इच्छा बोले नहीं। जब तक ठाकुर जी को इसलिए नियम है जब ठाकुर जी का खाना बनता है ना सबको घर में घुसने नहीं चाहिए। जिसको ज्यादा लोभी व्यक्ति नहीं वो व्यक्ति को घर में नहीं घुसनी चाहिए अगर बढ़िया बढ़िया खाना। क्योंकि स्वभाविक रूप में बद्ध जीव का भावना होता है बढ़िया चीज बने ना अरे आज बढ़िया खाना बन रहा है आज बढ़िया प्रसाद बन रहा है। इसलिए माधवेंद्रपुर ने देखा नहीं हमने गलती की है ठाकुर को भोग नहीं लगा और हमने इच्छा हो गई हम भी ठाकुर को थोड़ा खीर खाता तो ऐसे ठीक भोग लगाता। यद्यपि उनकी मन में भावना ठाकुर को भोग कैसे लगाए तब भी उन्होंने उसको अपराध माने। अपराध मानकर कहां पर आए अभी जो बीच में जो देखा है ना माधवेंद्रपुर का स्थान उस स्थान यही हाट है हाट मतलब मार्केट यही था। और उन्होंने दुखी होकर के वहां पर देखा बरगद पेड़ है अभी भी वो बरगद पेड़ है उसी पेड़ को नीचे बैठ करके आए बैठ करके हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। यहीं पर रात भर माधवेंद्रपुरी हरि हरि नाम रात भर करते थे सोते नहीं थे। महाराज बता रहे थे ना अजाचक वृत्ति। अजाचक वृत्ति मतलब क्या? कभी किससे मांगते नहीं थे किसको कभी कोई चीज नहीं मांगते थे किसको। अभी प्रश्न होता है भैया जब कोई मांगते नहीं अगर किसी ने दे दिया तो खाना खा लिया अगर कोई नहीं दिया तो फिर क्या करते थे भूखे रहते थे। बोले हाँ बोले क्यों कैसे बोले जो कृष्ण नाम है कहते ना कृष्ण नाम सुधा करिया पान जुड़ाओ भक्ति विनोद प्राण। जो कृष्ण नाम है वो नाम नहीं वो सुधा मतलब अमृत कृष्ण नाम अमृत। जब भजन करते करते हमारी ऐसे उच्च स्थिति हो जाएगी ना जब केवल हरि नाम करेंगे पर हरि नाम से ही ऐसे रस निकलता है जगत का किसी खाने पीने का चीज की जरूरत नहीं केवल हरि नाम ही एक अमृत। इसलिए बताए नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वात् नाम नामिना। भगवान का नाम अमृत है शुद्धा है चिंतामणि भगवान का नाम। इसलिए श्री माधवेंद्रपुरी वहीं पर भजन कर रहे थे फिर पुजारी को जो स्वप्न दिया ठाकुर जी बोले देखो वहीं पर बैठा हुआ हाट में तो पुजारी वहीं पर ला करके बोले कौन माधवेंद्रपुरी जगत में सबसे बड़े भाग्यवान आप हो जिसके लिए ठाकुर ने खीर चोरी किया है। कहते माधवेंद्रपुरी कौन है बोले मैं हूँ।
बोले ठाकुर आप तो त्रिभुवन में सबसे भाग्यवान हो, ठाकुर तुम्हारे लिए खीर चोरी किया, लो ये खीर लो। माधव इंद्रपुर तो प्रेम में गदगद हो गए, ठाकुर जी मेरे लिए खीर चोरी किया। उसको बाद में माधव इंद्रपुर देखा, भैया अगर सवेरे होते ही तो लोग पीछे बढ़ जाएंगे, इनके लिए ठाकुर खीर चोरी किया, भगे यहाँ से। लेकिन जो सकोड़ा था ना, जो उसमें जो सकोड़ा था उसको उन्होंने तोड़ दिया, तोड़ कर कपड़े में बांध दिया। और जब जब कभी कभी एक एक टुकड़ा खाते थे सकोड़े को, हाँ जब खाते थे उनके हृदय में प्रेम प्रकट होता था। बोले क्यों? बोले ठाकुर जी ने अपने हाथों से, उन्होंने ये खीर को ठाकुर जी ने हाथों से चोरी किया है। खाते ही इनका हृदय प्रेम में गदगद हो जाता था, आंखों से आंसू की झरी बहने लग जाती थी। वो वही प्लेस है जहाँ पर माधव इंद्रपुरी भजन करते थे। इसलिए हम लोग बड़े सौभाग्यवान जो कि हम सबके सब गुरु वैष्णव कृपा से नवद्वीप परिक्रमा के बाद में सब स्थान में आए हैं और हमारे जीवन धन्य जीवन है। ठीक है, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। बोले श्री माधवेंद्रपुरी पाद की, बोले श्री गर्गेश्वर महादेव की, बोले श्री हरचंडी देवी की, सचिनंदन गौर हरि की, बन महाराज की, गौर प्रेमानंदे हरि हरि गुरुदेव की जय। हरे हरे कृष्ण। वहीं पर जहाँ पर हम गाड़ी खड़ी है ना, वहीं पर प्रसाद पालेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर छाया फैया था। अच्छा बढ़िया, बिहारी लाल की। हाँ देखो, हम लोग अभी प्रसाद पा करके ना सीधापुरी के लिए जाएंगे, सीधापुरी के लिए। हाँ, भुवनेश्वर महाराज हो गए थे, मेन रोड ना, इधर तो मंदिर डुबते थे ना विदेश तो। ये मेन रोड जो दाड़ी है गौरी कुंड आछे, और जेखाने शिव ठाकुर जो कोटि लिंग रूपे जो प्रकट होछे, वही शिव लिंग रे मध्ये जो छोटे 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 शिव और कोटि शिव लिंग ठाकुर जो प्रकट हो ना, शिव ठाकुर कोटि लिंग सर। और जो कुंड ढालो गौरी कुंड जे पानी होलो गुरुदेव पीते, वो जो पानी पवित्र पानी गौरदेव पानी छो जे रास्ता पड़ी जाए बुझे, वही दाड़िए ना वही दर्शन कर बसते पारे बिहारी लाल की। माइक तुम्हारी, हरे कृष्ण। कोई कीर्तन कर, कोई कौन है कीर्तन करना? नाम क्या है? माधव प्रिया, मधुस्मिता, मधुस्मिता, हरे कृष्ण हरि बोल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण हरे। बोलो तो भाई हरि बोल। हरि बोल आगे। Hey, go, Ram, go. Hey, go, Ram, go.
Krishna Hare 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 Rama.
ಮಧುಸ್ಮಿತಾ ನಾಮಿ ಮದುವೆ.